आज यौम इकबाल के हवाले से यहाँ पे नेवी के दस्ते ने सलामी पेश की और हमने फूलों की चादर चढ़ाई। मेरे साथ मियां नसीर साहब, सबका MPA, जनाब मलिक शहबाज़ खोखर साहब MPA मौजूद हैं। हम आज यहाँ पे मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देने आए थे और शायर मशरक़ को एक खराज तहसीन पेश करने आए थे, जिसका मकसद ये है कि जितनी आज ज़रूरत है अफकार इकबाल पर अमल करने की, इकबाल की सोच पर अमल पैरा होने की, इससे पहले कभी नहीं थी। इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो ये खुद इनसारी और खुदी का जो एक पैगाम है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी पूरी मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत है। और इकबाल के जो अफकार हैं उससे ना सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमान जो हैं वो इंस्पायर होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उससे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। और उन वो तमाम अफकार वो ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है, बल्कि उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि वही आगे हमारे लिए रास्ता है तरक्की का, खुशहाली का। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम जाते हैं ईरान, जाते हैं ईरान से कोई वफ्द यहाँ आता है, जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं उनके वफूद यहाँ पे आते हैं, सरबराह यहाँ पे आते हैं, तो वो आके हमें कहते हैं कि जी आपका उस सरजमीन से ताल्लुक़ है जिस जिधर अल्लामा इकबाल पैदा हुए। तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा, अल्लामा इकबाल के शायरी जो है वो सिर्फ बड़े सगीर तक महदूद नहीं है, उसको वस्ती एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इकबाल के वहाँ म्यूज़ियम्स मौजूद हैं, इकबाल की लाइब्रेरीज वहाँ मौजूद हैं। ईरान के अंदर भी जिस तरीके से इकबाल को पढ़ाया भी जा रहा है और कलाम इकबाल को फ़रोग भी दिया जा रहा है, तो देखिए हमें मुस्लिम उम्मा को जो चीज़ एक मुत्तहिद करती है उसमें कलाम इकबाल का बहुत बड़ा किरदार है। और वो हर हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें जो खुदी का पैगाम, खुद इनसारी का पैगाम, एक उम्मा के लिए यकजहती का, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की भी ज़रूरत है और इस अमर की भी ज़रूरत है कि हम कैसे इकबाल के कलाम को भी मज़ीद फ़रोग़ दें और उसके ज़रिए ये मुल्क व कौम तरक्की भी करे और आगे भी बढ़े। आज मौका ऐसा नहीं है कोई सियासी बात की जाए, मगर हमारी हमेशा कोशिश रही है कि कौम भी मुतहद रहे और दीगर सियासी जमातों के साथ भी जो हमारे मामलात हैं वो हमेशा हमने फराख दिली का भी मुजाहरा किया है और हमेशा अच्छे अखलाक का भी मुजाहरा किया है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से एक हमारी सोच बन गई है और माशरे में एक तकसीम पैदा की गई, माशरे के अंदर नफ़रतें पैदा की गई, कदूरतें पैदा की गई और भाई को भाई से लड़ाया गया, ये एक सोचा समझा मंसूबा था और ये मंसूबा उनका था जो अग्यार के ऊपर जिनकी इनसारी थी। अब अग्यार की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ये बताइए, आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं और गज़ा के जो हालात हैं उसके अंदर आपने कभी देखा कि जैक गोल्डस्मिथ की किसी स्टेटमेंट की किसी ने मजम्मत की हो? यानी वो क्लिप्स तो हमें याद आते हैं कि जैक गोल्डस्मिथ बड़ा ऑनरेबल आदमी है, बड़ा वो अच्छा आदमी है, उसकी कैंपेन भी चलाई जाती है, मगर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में स्टेटमेंट्स देता है तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती? और क्या अमर माने हैं और ये क्या लॉबी है और क्या ये मामलात हैं कि जहाँ पे आप फ़लस्तीन पर मजालिम ढाने वाले, फ़लस्तीन में फंडिंग करने वालों की कैंपेन चलाएं लंदन जाकर और फिर कहें कि ये बहुत अच्छे लोग हैं? ये तो बड़ी मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक सूरत हाल है। और अभी तक किसी ने जैक गोल्डस्मिथ की किसी स्टेटमेंट की ना तो मजम्मत की और ना उस हवाले से कोई तनकीदी बयान जारी किया। तो देखें
ये कुछ इश्यूज हैं जिस पे पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। जो हमारी एपीसी हुई फलस्तीन के ऊपर, क्या वजह है कि फलस्तीन की एपीसी के ऊपर तमाम सियासी जमातें वो शिरकत करती हैं और फलस्तीन के हवाले से जो एक करारदाद मंजूर की जाती है तमाम सियासी जमातें उस पर इत्तफाक करती हैं, वो मजहबी सियासी जमातें हों वो दीगर सियासी जमातें हों, मगर एक सियासी जमात उसमें शिरकत करना गवारा नहीं करती। तो देखिए कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे मुश्तरका इश्यूज़ हैं, वो कश्मीर हो वो फलस्तीन हो, ये जो उम्मत को इकट्ठा करने की बात है, उम्मत में इत्तेहाद इत्तफाक पैदा करने की बात है। उम्मत में तो इत्तेहाद इत्तफाक तब पैदा होगा जब हमारे यहाँ इत्तेहाद इत्तफाक होगा, और कुछ चीज़ें वो सियासत से बालातर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बालातर होनी चाहिए हमारे सियासी मामलात से, और उनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाकिस्तानियत के साथ, हमारे मुसलमान होने के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जब हम सियासी नज़रियात को कौमी नज़रियात के ऊपर तरजीह देते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं, नाउज़ बिल्ला। तो ये पाकिस्तान है तो ये सियासत है, ये पाकिस्तान है तो ये MNA MPA वजारतें हैं, ये पाकिस्तान है तो ये रौनक लगी हुई है। अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं और इस तरह की बातों को फ़रोग दे, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर तो इनके लिए कश्मीर का मसला, इनके लिए फ़लस्तीन का मसला कोई मानी नहीं रखता। तो हम जिस विजन पर अमल पैरा हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इकबाल की सोच के ऐन मुताबिक है कि नौजवानों को एम्पावर करना, और नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पंजाब के अंदर भी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए नौजवानों को, पी स्कॉलरशिप दिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी उसको आगे लेकर चल रही हैं, नौजवानों के लिए काम कर रही हैं, और दानिश स्कूल बनाए कि वो नौजवान जो यतीम थे, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते थे और पसमानदा तरीन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, आज कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, अपनी अपनी फील्ड में वो आगे बढ़े। कहने का मकसद ये है कि नौजवानों को आगाही देना, नौजवानों को एम्पावरमेंट देना, ये इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक आगे हम इस पर अमल पैरा हैं। और देखिए बाहर के ममालिक में हम जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर विजन होता है कि हमने कर्ज नहीं लेने, हम इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देंगे, हम तजारत को फ़रोग देंगे, सरमायाकारी होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और सरमायाकारी हो रही है दोस्त ममालिक की तरफ से। तो इंशाल्लाह ताला ये इकॉनमी दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। इस महीने अक्टूबर के महीने के एंड तक जो वर्कर्स रेमिटेंसेज तफसीरात बाहर से आई है, $3 अरब है, हमने IMF से $7 अरब लिया है, और जो पाकिस्तान की इस साल रेमिटेंसेस पहले क्वार्टर में आए वो $8.8 अरब के आए हैं। महंगाई 6.7% के ऊपर है, इधर उसमें काम भी हो रहा है, कमेटीज बनी हुई हैं, भरपूर काम हो रहा है, मगर क्या वजह है कि KP में कोई काम नहीं हो रहा। वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर पर काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे, ना उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए हैं, शायद खुर्दनोश के किराए कम नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात है जिस पर सोचना होगा, और इकबाल की सोच को आगे ले जाकर हमें अपनी मईशत की तरक्की, अपने नौजवानों की जो आगे फलाह बहबूद है उस पर काम करना होगा, और हम इस पर अमल पैरा हैं। और आप देखेंगे मईशत जिस तरह ये लोग दुआ करते थे कि खुदा ना खासा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, हम डिफ़ॉल्ट के दाने से जहां आए हैं और जहां पहुंचे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इम्प्रूव कर गए, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुँच रहा है। कल विंटर पैकेज का ऐलान किया कि गर्मियों में तो बिजली के बिलों का बोझ आम आदमी पर होता है, मगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, हम सर्दियों में भी इस बोझ को कम करेंगे। तो ये देखिए ये सारी काविशें किस लिए हैं, ये उस तरह नहीं है कि इधर बुजदार को बिठा दिया, उधर पिंकी बैठ गई, उधर गोगी बैठ गई, इधर हार ले ली, इधर अंगूठी ले ली, और कहा जी डॉलर के रेट का सरोकार मुझे नहीं है। डॉलर के रेट का सरोकार जो वजीर आजम को नहीं होता, उसको तो TV से पता चलता है कि ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है। देखिए करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके $11 अरब पर पहुँच गए। तो ये तमाम मामलात हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा मियां नवाज शरीफ की क्यादत में, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह काम कर रहे हैं, ये मुल्क इंशाल्लाह ताला इसका मुकद्दर है कि ये तरक्की इसने करनी है, और यहाँ के लोगों ने फलाह बहबूद पानी है, और हम इंशाल्लाह ताला आपको ये पाकिस्तान, एक सुनहरा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान बना कर देंगे। जो है इस वक्त एक सियासी पार्टी के जो सरबराह
जेल में है जी, और वो ऐसे जांच कर रहे हैं मुस्लिम लोगों के ऊपर और करते भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो मामलात हैं पाकिस्तान के, एक कॉल अवे है कि वो कैदी नंबर 804 जो है वो बाहर आ जाएगा अगर वो कॉल आ जाती है। क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत है आप करेंगे अगर कॉल आती है? देखिए पहली बात तो ये है जी, वो आ गया अमेरिका में सदर, तो उसके भी कोई इम्पेक्ट आएगा? देखिए मैं बड़ा मजे का खेज बात है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट होता है ना, तो ऐसा जो फोन करता है कि मेरे काउंसलर का निका भरा जड़ा है वो जेल दे बेचे थे, उन उधर सलाखा जो बाहर कट दो, बाहर मंजी शंजी दे दो और दो दिन बाद उन्होंने रिलीज कर दे। ये जो स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं ना मेरे भाई, ये फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करती है, और ये स्टेट्स के मामलात आपस में बड़े कॉर्डियल होते हैं, और उस पर पूरे पूरे थिंक टैंक्स मौजूद होते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनकी आपस में एक अफहम तफहीम से मामला आगे चलते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारा हर मुल्क से ताल्लुक अपनी नौइयत का है, और अपनी ना सिर्फ अपनी नौइयत का है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतरी आई है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं पहले से। तो ये इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये मजे का खेज एक बात है, और मैं समझता हूँ कि ये इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी दो बयानिए इसके ऊपर चल रहे हैं, और जिस तरह मैंने बात की मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आज यौम इकबाल के ऊपर हम मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं, जो इत्तेहाद इत्तेफाक की कौम को ज़रूरत है, नौजवानों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। देखिए ये कौम के सामने है कि जिन्होंने सिर्फ बातें की और जिन्होंने सिर्फ काम किया। फॉरेन पॉलिसी में जो बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी इसलिए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये कर्ज लेने के लिए नहीं है, ये खुद इंसारी के लिए है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हमारे मादनियात को आप देखें, हमारे नेचुरल रिजर्व्स जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने जिनसे हमें नवाजा है आप उनको देखें, आप हमारी बाकी वसाइल को देखें, तो पाकिस्तान में सरमायाकारी की बहुत गुंजाइश है, पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको अगर मुख्तसर बताऊं कि जो इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट है, हम बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं, हम कर्ज की बात नहीं कर रहे, इमदाद की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब ने कहा कि जी हम यहाँ पे जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो अब उसका हजम बढ़ गया है, और वो आप देखें कि वो अरबों डॉलर के अंदर चला गया है, और पहले जो मुआहदे साइन हुए थे उसमें भी जो है वो मजीद बेहतरी आई है, तो वो 6 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है, और वो 6 अरब डॉलर से जो तजावज़ किया है वो कई मुआहदे साइन हो गए हैं, अलबैक उनकी फास्ट फूड चेन पाकिस्तान आ रही है, बाकी उनके जो अरामको खुल गया है यहाँ पे, पहला पंप अरामको का खुल गया है। ये कैसे हुआ है? ये सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आई है ना। कतर वाले कह रहे हैं जी 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे, आज़रबाईजान ने कहा जी 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे, कल अबू धाबी वाले आए थे उनसे एडी पोर्ट्स के हमारे एमओयू साइन हुए हैं। तो जब ये देखें आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 11 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं, और आपकी रेमिटेंसेस 8 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएं, और सिर्फ पिछले माह में वो 3 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएं, इसका क्या मतलब है? जो नौजवानों के लिए हम स्कीम ला रहे हैं जिसमें लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर स्कॉलरशिप्स हैं, नए स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, नौकरियों का इससे बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन कम हो रही है, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इकबाल ने जो इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम दिया, यूथ एम्पावरमेंट का पैगाम दिया, हम यूथ को इकट्ठा करें, यूथ को हम पोटेंशियल ये दें कि देखें ब्रेन ड्रेन भी जो बात होती है ना जी, नौजवान बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, इतनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है, किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास हैं। तो ये लोग जब बाहर जाएंगे, ये रेमिटेंसेस कैसे आ रहे हैं? ये जितने हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं ये अपने घरों में जब पैसे भिजवाते हैं तो रेमिटेंसेस इंक्रीज होते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। तो देखिए हम मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यौम इकबाल के ऊपर कल शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की, विंटर पैकेज इतना बड़ा पैकेज आया, गर्मियों में जो सब्सिडी आई थी वो उस पर 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, 45 अरब सूबाई गवर्नमेंट ने दिया, अब जो विंटर पैकेज आया है कि बिजली का जो बोझ है अवाम पे ना पड़े सर्दियों के अंदर भी, पेट्रोल सस्ता है पिछले साल से, आटा सस्ता है पिछले साल से, बिजली सस्ती है पिछले साल से, ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो डिक्टेट करते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर महंगाई की शरह ऊपर जानी है या नीचे जानी है। ये तीनों चीज़ें सस्ती हुई हैं, महंगाई नीचे गई है। शहबाज शरीफ साहब ने इतनी काविश की इसके ऊपर, पहले दिन आए कहा जी इकोनॉमिक रिफॉर्म मेरा एक ही एजेंडा है, मैंने इकोनॉमी ठीक करनी है, और यहाँ पे ऐसे लोग थे ये जो अब कह रहे हैं कि फ्लाँ आया तो हम रिहा हो जाएंगे। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए, जिन्होंने 9 मई के अपने शहदा की यादगारों पर हमले किए अपने सियासी लीडर की खातिर। मैं दोबारा दोहराऊँगा,
कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है, और मरते दम तक हम ये कहते रहेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोग केपी के अंदर, किसने रोका है कि आप एजुकेशन पे काम ना करें, हेल्थ पे काम ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ना करें, आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम ना करें, आप दहशतगर्दों को ना रोकें। वो कंटेनर पे चढ़ के कभी इस्लामाबाद इधर छुप गया, उधर निकल गया, ये मतलब लुकन मिटी खेल रहे हैं। ये कोई स्टेटहुड है? ये कोई सीरियसनेस है? ये इनका गैर संजीदा रवैया है कि ये कौम को तकसीम करना चाहते हैं। वहाँ पर जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाई है आपने, आपने उसने बयानात दिए इसराइल के हक में, फलस्तीन के खिलाफ, और वो फंड कर रहे हैं पूरा उस जंग को। आपने एक भी मजम्मती बयान किया कि जैक गोल्डस्मिथ के बयान की मजम्मत करते? नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने इसराइल की फंडिंग की है उन्होंने ही इस सियासी जमात की फंडिंग की है। फॉरेन फंडिंग और क्या था? यही था। अब मसला ये है कि ये लोग लीडर की रहाई चाह रहे हैं, एनआरओ, इनसे पूछना मुतालबा क्या है भाई? ये सियासी केसेस हैं। हमने कहा था कि आप एक प्रॉपर्टी टाइकून से इतना बड़ा लफाफा लें और बंद लफाफे को काबीना से मंजूर करवाएं और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करके अलकादिर का जमीन ले लें। अलकादिर के अंदर एक भी स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। वो शैम यूनिवर्सिटी बनाई है, कई सौ कनाल जमीन हथियाई है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते हैं किस लिए? मकसद क्या है? अब ये जो एनआरओ मांग रहे हैं, जलसे भी एनआरओ के लिए, लाहौर का जलसा नाकाम, संजानी का जलसा नाकाम, इस्लामाबाद वर्कर्स को वहां छोड़ के डी चौक में खुद छुप गए, भाग गए। एक वज़ीर-ए-आला कहे कि मैं अपने ही सूबे में 11 जिले टाप के आया हूं, छुप के आया हूं। भाई अपने सूबे में क्या छुपने की जरूरत है? ये सारी एक ड्रामाबाजी है। आज भी सवाबी में जलसा करे, भाई यौम इकबाल है, इधर आओ, हम आए हैं ना। इमियान रसीद साहब खड़े हैं, शहबाज खोकर साहब खड़े हैं, इमरान जावेद साहब खड़े हैं, हम आए ना, मुस्लिम लीग नून को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया, आओ यहाँ पे मजार इकबाल पे आओ, इकबाल की अफकार पे, इकबाल के फलसफे के ऊपर बात करो, मुस्लिम उम्मा की बात करो, कौम को इकट्ठा करने की बात करो, अवाम की फलाह बहबूद की बात करो। ये कभी आपको नहीं मिलेगा। ये कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है, हम भी इसमें हिस्सा डालेंगे। ये कहेंगे नहीं हमारा लीडर छोड़ दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं वो सफारती सतह पर अच्छे तरीके से आगे चलते हैं, और उसमें किसी की रिहाई का मुतालबा नहीं रखा जाता। बड़ी गैर संजीदा सी बात है। उसके अंदर हम अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उस स्टेट का क्या इंटरेस्ट है, हमारा क्या इंटरेस्ट है, और हम अपने मुल्क की बेहतरी कैसे कर सकते हैं इन ताल्लुकात के जरिए। तो इसमें जी जी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे दोनों आपके और ब्रिक्स की जरा पोजीशन जी, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। इंडिया और चाइना ने अपने तनाव खत्म कर दिया सरहदी द्वार पर, तो पाकिस्तान को आपके मैं सराहता हूँ जी, आपके तीनों बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए पहली बात ये है कि दो तरह के अग्रीमेंट्स होते हैं, एक होता है जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। और इस दफ़ा हमारी कोशिश ज़्यादा ये रही है कि हुकूमती माहदे कम हों और बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस माहदे ज़्यादा हों। देखिए गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है बिजनेस करने का, बिजनेस करना है प्राइवेट सेक्टर ने। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। गवर्नमेंट तो इतनी सी छोटा सा सेक्टर है जो मैं समझता हूँ कि उनका बिजनेस के अंदर वो महारत नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर की होती है। तो एक तो हम इनक्रेज कर रहे हैं बिजनेसिस को कि वो ये करें। रशिया से हमारे ताल्लुक बहुत इंप्रूव हुए हैं। व्लादिमिर पुतिन साहब से जो SCO अस्ताना में हुई थी शंघाई तावन तंजीम, उसकी साइडलाइंस पे बड़ी अच्छी मीटिंग रही। हमारा वफ्द वहाँ गया। अभी पाकिस्तान ने जो शंघाई तावन तंजीम का अजलास होल्ड किया, एजाज़ की बात है। चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी आए, रशिया के वज़ीर आज़म आए, उनके साथ हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर, एनर्जी के अंदर MOUs भी साइन हो रहे हैं और आगे मामला बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त है। देखिए जहाँ तक आपने ब्रिक्स की बात की तो उस पर बहुत सारे ममालिक ऐसे मौजूद हैं जिनकी ये सोच है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को भी उसकी मेंबरशिप किसी न किसी सतह पे मिलनी चाहिए वक्त आने पे। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ बदतर हुए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि चीन के साथ CPEC फेज़ 2 बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान आना SCO से पहले और यहाँ पर गवादर एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन करना, ये बड़ा क्लियर बताता है कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये मामलात आगे बढ़ेंगे, मज़ीद जो है फॉरेन रिलेशंस बेहतर होंगे। 27 साल बाद शंघाई तावन तंजीम जैसा इजलास पाकिस्तान के अंदर हुआ है जहाँ 12 ममालिक के वज़रा आज़म आए हैं। हमने बताया कि हमारा शहर खूबसूरत है, हमारा मुल्क खूबसूरत है, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा हर हवाले से पाकिस्तान साजगार है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
और कोई ये नहीं कह रहा, कोई आता है ना सरबरा, हम ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारी सकाफत हमें तुम्हारे से बेहतर पता है, तुम्हारी हिस्ट्री हमें तुम्हारे से बेहतर पता है। हम उन्हें अदब से एहतराम से कहते हैं कि आके इन्वेस्टमेंट करो, उनसे इस तरह की गप्पे नहीं लगाते कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ आपके मुल्क को, आपके मुल्क का आपको नहीं पता जितना मुझे पता है। तो ये बातें हम नहीं करते, तकब्बर से अल्लाह ताला बचाए। और जो दोस्त ममालिक आ रहे हैं उनसे तो हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम टांग पे टांग रखें, जूते की नोक उनकी तरफ करें और कहें जी हम आपकी बहुत बेहतर जानते हैं आपके मामलात को, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की। तो जिसने ये पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार किया वो करप्शन के केसेस में अंदर है और ये जुडिशियल प्रोसेस के तहत अंदर है, ना हुकूमत ने अंदर किया ना हुकूमत निकाल सकती है। 26वीं तरमीम देखें, 26वीं तरमीम पे स्टैंप लग चुकी है अप्रूवल की। कैसे लगी आप शायद पता नहीं, छुट्टी पे होंगी, आपने फॉलो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट अच्छा 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 मैं चले मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें 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 क्या होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें उसमें मैं अर्ज करता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लाहौर कराची पिशावर क्वेटा सब जगह लीड मिली हमारे हिमायत याफ्ता ग्रुप को। तरीके इंसाफ का हिमायत याफ्ता ग्रुप नहीं कर सका वो बात, वजह क्या है, उनके लीडर जो थे और बड़े क्लियर आपको बताऊं लीडर कंफ्यूज थे। हामिद खान साहब ने एक भी दिन खुल के 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की। आपका लीडर, आपके जो प्रोफेशनल ग्रुप का सो कॉल्ड लीडर है, वो जब बाहर निकले वोट मांगने और क्या यार 26वीं आईनी तरमीम मेरा ख्याल अच्छी है, तो फिर वोट आपको किस बात के मिलेंगे? वकला मोहर लगा चुके अप्रूवल की 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर, जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, जुडिशियल कमीशन के ऊपर, और वकला तहरीक का अल्हम्दुलिल्लाह 0% चांस है। सारी बड़ी बार बॉडीज उन्होंने इत्तफाक किया हमारे साथ, वो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने, उनकी ये डिमांड थी जो हमने पूरी की है, उनकी पुरानी डिमांड थी कि जुडिशियल कमीशन की भी कॉन्स्टिट्यूशन की जाए, उनकी पुरानी डिमांड थी कि ये चीफ जस्टिस की सिलेक्शन ऐसे हो, ये 26वीं आईनी तरमीम उनकी पुरानी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, आसमा जहांगीर साहब ने अलम उठाया था सबसे पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि वकला तहरीक शुरू होने का कोई चांस नहीं है और वकला मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं, और वो इस तहरीक को जो हमारे साथ ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला है उसको आगे लेकर चल रहे हैं और ये मुल्क की बेहतरी इसी के अंदर है। कोई ऐसा मामला कोयटा में हुआ है, कोयटा में जी, कोयटा कोयटा के जो आज वाकया हुआ रेलवे स्टेशन पे उसकी मजम्मत भी करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम पुरअज़म हैं, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है और उसके लिए इंशाल्लाह ताला हर कदम उठाएंगे और अल्लाह ताला के फजल से हम ये मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी का खात्मा चाहते भी और ये होगा भी। पहले से बेहतरी भी आई है, कुछ बड़े बड़े जो इस पे पीछे सहूलतकार थे वो पकड़े भी गए हैं, आपके सामने जल्द वो तफसीलात आएंगी। एक सिंध में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम सिंध ने भी करनी है, वो भी आपके सामने मामलात रखेंगे। देखिए तालिबान को वापस कौन लाया, मेरा पहला सवाल ये है, बानी चेयरमैन पीटीआई लेके आए, हमने 2013 से 18 नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, दहशतगर्दी का खात्मा, कराची का अमन बहाल, और चार साल में अल्लाह के फजल से करके दिखाया। एक साहब आते हैं वो कहते हैं मैं तालिबान को तालिबान से बेहतर जानता हूँ, कहते हैं आ जाओ भैया आ जाओ वापस आ जाओ, रस्ते खोल दो, इनको वापस आके बसाया। आज वही लोग हमले कर रहे हैं, तो ये देखिए ना ये खून किसके हाथों पर है। और अब ये नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग नहीं की बतौर वजीर आजम इस शख्स ने, जैक गोल्डस्मिथ की सपोर्ट करता है, दहशतगर्दों को वापस ला के बसाता है, इकॉनमी कहता है मेरा काम नहीं था, भाई तू क्यों बैठा सी उठे, यानी आपका काम क्या था फिर, ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं, ये क्या सोच थी, पाकिस्तान का नुकसान ये क्यों करना चाहते थे, ये आपके सामने है। बुज़दार को पंजाब में क्यों बिठाया था, क्या मकसद था, अच्छा शरीफ आदमी है, आप लोग भी मिलते रहे, हम उसके वालिद को देखते रहे जो लोग यहाँ पे पार्लियामेंट कवर करते हैं, सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार को हमने नहीं देखा 2008 से, शरीफ आदमी अच्छे आदमी, इसके वालिद मरहूम, उसको बिठा दिया यहाँ पे ताकि लूटमार हो सके, यार किसी से कोई मवाजना है, कोई मुकाबला है? तो बात यह है कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा, हम उस पर पूरी तरह कारबंद हैं, पाक फौज, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और पूरे तरीके से इसको आगे भी लेकर चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत केपी की नहीं करती कोई बात नहीं,
वो वहाँ पे और मामलात में बिजी हैं, वो कहते हैं जी कंटेनर ले आओ फलां ले आओ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसे वहाँ पे ठीक नहीं होगा। वफाक कभी भी तावन करने को तैयार है, वहाँ पे चीज़ें ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सरमायाकारी के वाले से हमारे तमाम दोस्त ममालिक कोशिश की गई कि सैबोटाज किया जाए एस सी ओ को। जब 12 वज़ीरे आज़म पाकिस्तान आ गए, एस सी ओ पाकिस्तान में हो गई, तो इसका मतलब पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार हालात हैं और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और उस पर अमल दरामद होगा। जी अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से सवाल, देखिए कोई देखिए मैं आपके वज़ीरा हटा नहीं नहीं वो देखें वो गलत खबर है, उसका कोई सबूत है तो मैं अपने मुखालफीन को कहता हूँ सामने ले आए। मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि इन्होंने इसको यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया अमेरिका के इलेक्शन को, यानी इस तरह भी कभी हुआ है कि एक सदर आए और आप यहाँ पे क्या सराइयाँ शुरू कर दें? फॉरेन पॉलिसी है, स्टेटहुड है, स्टेट टू स्टेट मामलात हैं यहाँ पे। अब ये मतलब जिस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, द लेसर सेड द बेटर, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया और मुबारक दी ट्रंप साहब को ट्वीट करके। हमारा स्टेट का मामला है, ये लोग जो बयानियां बना रहे हैं, आधी पार्टी कह रही है नहीं, आधी पार्टी कह रही है हाँ, अलीमा खान साहिबा कह रही है नहीं, हमारा बाप लगता है फलां, मैं उनका क्लिप देख रहा था। तो यार देखिए ना, आपकी पार्टी में एक पॉलिसी नहीं है, एक सोच नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम पे ये गए मुसवदा लेके, खान साहब मुसवदा ले आए हैं, उसने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, निकल जाओ यहाँ से, मुँह उठा के मुसवदा लेके आ गए हो, मैं कह रहा हूँ मुझे जेल से रिहा करवाओ और तुम लोग मुसवदे लेके फिर रहे हो। 90% तरीके इंसाफ की हिमायत शामिल थी 26वीं आईनी तरमीम में, उनके कहने पर 2 क्लॉज निकाले गए। जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम इससे मुत्तफिक हैं ड्राफ्ट से, तो फिर पीछे क्या रह गया? वो तो जेल गए, तो उसने वो बदतमीजी की इनके साथ। सिर्फ देखिए हमारे भी सोर्सेज है ना, जेलर भी खड़े होते हैं मीटिंग्स के अंदर, हमें भी लोग बताते हैं, सिर्फ गालियां नहीं दी गंदी, बाकी उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि एहतजाज करो, इंतजार फैलाओ, आगे लगाओ, मुझे बाहर निकालो, तुम लोग 4 कंटेनर नहीं हटा सकते, 4 एहतजाज तुम्हारे फेल हो गए हैं और ये मुसवदा लेके आ गए हो, चलो निकलो मुसवदा बाहर लेके जाओ। तो ये मामलात हैं, तरीके इंतजार का शिकार है। 4 ग्रुप हैं, पिंकी बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, उधर आतिफ खान लड़ा हुआ है अली अमीन गंडापुर के साथ। तो ये जो ग्रुपिंग हो रही है, ये वही इंतजार और तकसीम है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। लास्ट क्वेश्चन नहीं, वो सरमायाकारी करने तो नहीं आ रहे थे ना, हाँ वो क्रिकेट खेलने आ रहे थे, तो क्रिकेट और ये इकट्ठा आखिरी है बस। ये कब कहा उन्होंने, कब कहा, किस मौके पे, किस साल में कहा? नहीं गूगल मैं नहीं करता, ये तो अच्छा मैं पहले क्रिकेट वाला जी अच्छा जी मैं पहले जिनको अवाम ने वोट दे के मुंतखब किया है और पब्लिक रेप्स ही पॉलिसी बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और पब्लिक रेप्स की इज्जत तकरीम उनको एम्पावर करना ये हमारा नसबुल ऐन है। मैं इन रूमर्स में बिलीव नहीं करता। क्रिकेट के हवाले से अभी तक कोई रिटर्न नहीं आया। हम इसके खिलाफ हैं कि आधी सीरीज पाकिस्तान में हो और बाकी बाहर के मुल्क में हो। देखिए क्रिकेट को सियासत से पाक रखें, क्रिकेट और सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। खेलना चाहते हैं आए, 100 दफ़ा आए, हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। किसी को इतराज़ है लिख के भेजे वो और फिर उस पर देखेंगे। और देखिए जो आपने बात की जरदारी साहब के हवाले से, मुझे सिर्फ ये बता दें, एब्सोल्युटली नॉट। पानी चेयरमैन पीटे ने किसको कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था और किस मुतालबे के नतीजे में कहा था? पूरी कौम को स्टिकर लगा दिए और आज तक मैं ढूंढता रहा हूँ। मैंने गूगल किया है, मैंने लोगों से भी पूछा है कि यार एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था भाई, किस बात पे कहा था और क्यों कहा था और कहाँ कहा था? बेवकूफ़ी, जिस तरह वो इस्लामी टच को नहीं दे के कहते इस्लामी टच करो, और ये लकी तरीन पेरेंट्स हैं इसके वालिद और वालदा आफ्टर, मैं वो तो दोहराना नहीं चाहता। तो बात ये है कि ये तो पता लगे ना ये किसने कहा था। बाकी देखिए जरदारी साहब का भी पाँव फ्रैक्चर हुआ, हमने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, अल्लाह ताला उनको सेहत से नवाजें और हमारा बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। और ये कोई ये जो है ना दूरियाँ क्या मामला, देखिए
दहशत गर्दी की जंग में बिल्कुल हम एक पेज के ऊपर हैं, चीज़ें खुशस्लूपी से आगे बढ़ रही हैं। अभी आर्मी चीफ का विजिट हुआ सऊदीया का, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज के ऊपर बात हुई। ये मैं इन रूमर्स को बिलीव नहीं करता, ये झूठी रूमर एक दफ़ा ये फैलाई जाती है उसके बाद फैलाई जाती है कि जी ये बिनी बजट आ रहा है, कैटेगोरिकली डिनाइड। ये झूठी खबरें सिर्फ और सिर्फ डीरेल करने के चक्कर में है, और मुल्क तरक्की कर रहा है, आप भी इसमें हिस्सा डालें, मुस्बत रिपोर्टिंग करें, मुस्बत चीज़ों को आगे लेके चलें। अरामको अगर आया है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने पूछी आपसे, अरामको ने आके पंप खोल लिया है। अलबैक वाले ढूंढ रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। अगर आज़रबाईजान कह रहा है $2 अरब देंगे तो उनकी कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये सारी कंपनीज, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ MOUs हुए हैं, अरामको खुला है, सबने देखा है, अलबैक के अंदर ने ऐलान किया, सबने देखा है, वो यहाँ पे लोकल पार्टनर्स ढूंढ के आगे मामलात को बढ़ा रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस के अंदर, मादनियात के अंदर, फूड चेन्स के अंदर, तमाम सेक्टर्स में इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी आ रही है, और मईशत जो है वो बहाल हो नहीं रही, मईशत बहाल हो चुकी है अल्लाह ताला के।